हाँ, जिस किसी भी भाई को, बंधु को, विपक्ष के नेता को, पत्रकार को, इंटेलेक्चुअल को, इकोनॉमिस्ट को, बीजेपी से जवाब न मिले, आरएसएस से न मिले, कांग्रेस से न मिले, सपा से न मिले, मुझसे पूछ लिया करें। मिश्रा जी, ये बताइए, ये सरकार जो है, क्या वाकई में बीबीसी की एक अदना सी फिल्म से, एक डॉक्यूमेंट्री से डर गई है क्या? देखिए, सरकार कोई भी नहीं डरी है, और कुछ लोग संविधान का बहाना ले रहे हैं कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो मैं ये बोलूंगा कि वो इनफाइनाइट स्वतंत्रता किसी को नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या सही है और क्या गलत है, हम भारतीयों को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें अंग्रेजों की डॉक्यूमेंट्री पे क्यों ज्यादा भरोसा होता है? क्या हम आपस में उस चीज पे बात नहीं कर सकते, फैक्ट नहीं ला सकते? हमारे यहाँ अदालतें हैं, हमारे यहाँ मीडिया चैनल्स हैं, हमारे यहाँ सारी चीजें हैं, और जब से अंग्रेज भारत में आए हैं, इन्होंने केवल गलत तथ्य ही दिए हैं, डिवाइड एंड रूल, झूठी बातें बोल करके कभी जनता को लड़ाते रहे, कभी राजा को लड़ाते रहे, और जाते जाते भी इनकी आदत नहीं सुधरी, इन्होंने देश को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और उसके बाद भी ये नहीं सुधरे हैं। आज भी ये चाहते हैं कि भारत अब जो एक विकास के मार्ग पे बढ़ा है, चुनौतियां हैं, यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र है, ये चाहते हैं कि फिर उसी तरीके से बलवा किया जाए, क्योंकि ब्रिटेन को आज कहीं ना कहीं इस चीज का पछतावा है कि जिस देश पे हमने शासन किया, उसकी इकोनॉमी और बहुत सारी चीजें ब्रिटिश पैरामीटर से उनसे कहीं ज्यादा हमने अचीव कर लिया है। तो ये उनका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, दैट इज मियरली द इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हाइट पीपल एंड बीबीसी, और कुछ नहीं है। वो अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को, अब चूंकि उनका उनका जोश तो चलेगा नहीं, उनके कोड़े तो वैसे चलेंगे नहीं जब उनके शासन होते थे, कि वो कोड़े मार करके हमसे एग्री और एक्सेप्ट करवाते थे। ब्रिटिश में, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको धता बता दी, गलत बता दिया, शटअप इमीडिएटली बोला, और अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि अमेरिका में भी शटअप कॉल दे दी गई है बीबीसी को। अमेरिका के एक सांसद थे, कौन, एससीओ मीटिंग या क्या चल रही थी, वहां पे पाकिस्तानी पत्रकार ने बीबीसी की रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्री पे बात की, शटअप कॉल दे दी इमीडिएट, एक लाइन में बोला जस्ट कीप शटअप। तो ये गोरों का कोई भरोसा नहीं, उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं, एजेंसीज हैं, इन आप सब जैसे लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं। देखिए अरविंद देखिए साहब, साहब, इस केस में, ये केस छोटे से अकील छोटे साहब से अपना वॉइस कोर्ट को के म्यूट लिए कर गया, लीजिए। सुप्रीम कोर्ट तक गया होगा ये, और बहुत लर्नेड विद्वान, जज, पक्ष विपक्ष के वकील, सरकार के तरफ से, और बहुत सारे पत्रकार भी इस केस में जुड़े हैं, फोरेंसिक अरे लैब, साइंस सरकार, वगैरह। वकील साहब ने जो कहा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा मुद्दा है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, न कि फोरेंसिक लैब की तरह या जी एक्सपर्ट की तरह ये एनालाइज करना बिल्कुल कि सही थे कि गलत थे। लेकिन आपका नहीं, जो सवाल किसकी किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेंसिक किसकी बात कर रहे हैं? बिल्किस बानो के केस की? बिल्किस बानो के केस की कोई फॉरेंसिक जांच की बात नहीं हुई है। वहां जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी सुनिए, बनाने के लिए कहा, इन्होंने अपनी कमेटी बना दी। कमेटी में मैं जो सदस्य रहे हैं, प्रिंसिपल उनमें बोल रहा विधायक हूं, रहे हैं, वहां के मैं पार्षद कहां रहे हैं, सरपंच प्रिंसिपल रहे हैं, बोल रहा हूं, उन्होंने अपना निर्णय दे दिया कि इनकी सजा माफ करनी, कोई संस्कारी ब्राह्मण थे ये। अब सीधा सुन सा बात, लीजिए, 11 11 लोगों की हत्या, बिल्किस बानो की अस्मत दरी, उसके बाद वो सुनिए, 20 साल न्याय व्यवस्था के लिए भटकती रही है, तो आप मेरी बात उसके सुनिए। लिए एहसान जाफरी, देखिए, उसकी हत्या अकील साहब ने ये बोला कि वो रेलवे बोगी की पूरी जांच हुई है, तो नहीं, डेफिनेटली वो वो कॉन्स्पिरेसी फॉरेंसिक है, लैब वगैरह, वो कॉन्स्पिरेसी है, वो अकील साहब ने जो बोला वो कॉन्स्पिरेसी तो अरे तो कहीं ना सुन कहीं तो लीजिए है ना ही है। सर, नहीं खत्म तो करने बताइए। दीजिए हाँ मुझे। बताइए। तो अब मुझे पता नहीं, लेकिन अकील साहब ने ये बोला कि हाँ भाई, फॉरेंसिक लैब वहां पे ये पता नहीं कर पाई आग क्यों लगी। चलिए, आग कैसे भी लगी, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, दरवाजे किसने बंद किए, अब हम पुरानी चीजों को नहीं करेंगे। जो नहीं, सुप्रीम पुरानी चीजों कोर्ट में नहीं जो है वो, अपने, जो हो गया। सुनिए, जो अपने यहाँ व्यवस्था है, मैं समझता हूँ जितने पक्ष विपक्ष के वकील थे, अधिकारी थे, सरकार थे, सारे पत्रकार उस वक्त इस पे लगे हुए थे, हमसे आपसे वो ज्यादा टैलेंटेड थे। किसी को अगर लगता है कि वहां पे कोई अन्याय हुआ है, तो मैं एक लाइन में बोलूंगा कि फिर से जाके रिपिटेशन वगैरह अगर कोई व्यवस्था है तो करिए आप, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, जरा बीबीसी से पूछिए ना, लेडी डायना की जब मौत हुई थी, पेपराजी उसका पीछा पीछा कर रहे थे, तो उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी के ऊपर बनाने की हिम्मत है उसकी? इन विदेशियों के साथ मैंने कंपनियों में काम किया है, और इतिहास भी मैंने पढ़ा है, मुझे पता है ये एक एक चीज कैसे रखते हैं और क्यों रखते हैं।
आज की देश में अपना देश, अपना देश मतलब मैं सबको इंक्लूसिव करके बोल रहा हूं, उनको पता है कि इकोनॉमी वगैरह में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो जो ग्लोबल सिनेरियो है, हालांकि वो बड़ा खतरनाक सिनेरियो है इकोनॉमिक, क्योंकि पाकिस्तान कंगाल हुआ, श्रीलंका कंगाल हुआ, और तो और छोड़िए मिस्र जैसा देश भी कंगाली के कगार पे खड़ा है, वो नेक्स्ट टू पाकिस्तान उसका नंबर लगा हुआ है। वो ये चाहते हैं कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए किसी भी तरीके से, उनका फायदा, आधे से ज्यादा अंग्रेज या जो इंग्लिश कंट्री है उनका फायदा तो केवल इस चीज में है कि हम डिस्टेबलाइज रहे, हम पुअर रहे। अगर हम रिच हो गए तो समझ लीजिए कि वो गरीब हो जाएंगे, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं घूम से घूम करके हमारे यहाँ से हमारी आपकी जेब का उनका जाता है। मेरे कहने का मतलब उनकी कॉन्स्पिरेसी को समझिए। मैं तो बीबीसी को चुनौती देता हूं, जरा वो मैं 4 पॉइंट और बताऊंगा लंदन के और ब्रिटेन के, जरा वो बताया वहां पे जो है लेडी डायना का, अभी लेडी डायना का जो लड़का है वो ब्रिटेन में रह के, राजमहल में रह के वो किताब नहीं लिख पाया, अमेरिका गया तब उसने किताब लिख करके पूरी पोल खोली उसने और उसकी वाइफ ने कि राजमहल में क्या क्या होता है। बीबीसी की हिम्मत जो है कि अगेंस्ट टू क्राउन जा करके वो बोले वहां पे और डॉक्यूमेंट्री बनाए। और मैं और आपको इतिहास से देता हूं, इराक और ईरान का जो युद्ध हुआ था वो भी एक झूठ के हुआ था, वो भी एक विदेशी न्यूयॉर्क की अमेरिका की एक मीडिया थी उसने खबर छापी, झूठी खबर, कि उस डिस्प्यूटेड एरिया में बहुत बड़ा तेल का वो भंडार है, और ईरान और इराक लड़ पड़े, 8 साल 10 साल तक युद्ध चलता रहा। तो इन विदेशी मीडिया को समझिए, आपको कहीं डाउट है, हमारे देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, पॉलिटिकल व्यवस्था है, संविधान है, न्याय व्यवस्था है, अरे साहब, फॉरेंसिक लैब भी है, आपस में हम बात करें। बीबीसी के ऊपर या किसी फॉरेन मीडिया के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता हूं, हमारे देश की मीडिया को ये घुसने नहीं देते हैं। आप बोलिए हमारे देश का मीडिया अगर जलियांवाला बाग पे बनाए बीबीसी जो है, और बीबीसी उसमें ये खोज के बताए कि जलियांवाला बाग के लिए जिम्मेदार कौन प्रधानमंत्री था, बताएगा बीबीसी? ये आज तक उन्होंने नहीं माना है, एक भी मास केयर जो अंग्रेजों ने किए हैं आज तक अंग्रेजों ने माफी नहीं मांगी है, एक्सेप्ट नहीं किया है। तो उनके झांसे में मत आइए। देखिए हमारे देश में कमी क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं पत्रकार हैं चाहे जो है, उनको पता नहीं पैसा भी, शायद पैसा भी ना मिलता हो, लेकिन बस उनको मुद्दा मिल गया अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम बहुत बड़े, जी बीबीसी ने बोल दिया। अरे आंख मूंद करके रेफरेंस भी कहीं का नहीं लिया जाता है, रेफरेंस लेने और देने के पहले भी एक क्रिटिकल एनालिसिस कर ली जाती है। मैं बीबीसी को बोलता हूं कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैनल है, सारी चीजें हैं, लेकिन आंख मूंद करके बीबीसी हो चाहे न्यूयॉर्क टाइम हो चाहे कोई भी हो, किसी के भी मैसेज पे किसी के भी प्रोग्राम पे भगवान ने हमें अकल दी है, और भारतीय भी बड़े बुद्धिजीवी हैं, हम आप उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, ये मैं आपको बता दूं, हमारा आपका आईक्यू लेवल भी उनसे ज्यादा है, और उनसे ज्यादा हम लोग कमा के रखे थे, हमारा देश कभी जब सोने की चिड़िया था उनसे बहुत आगे थे। तो आंख मूंद के प्रोपोगेट मत करिए, जी बीबीसी ने बोल दिया तो ये सही है, इसको क्रिटिकल वे में आप डिबेट करिए, मैं बोलता हूँ कैसे वो सही है बताए, और 50 पॉइंट मैं देता हूँ, बीबीसी ने कभी डॉक्यूमेंट्री बनाई उन पॉइंट अरे पे? कभी नहीं सर, बनाया। वो विवादों को ही जन्म देते हैं। जनहित से जुड़े मसलों पे जब इनसे बात की जाए तो ये भागते हुए नजर आते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है। और संघ वालों ने, मुझे संघ की मैं बात करूं जो कि संघ पीछे से बैक करता है, आरएसएस जो है, इन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया। इन्होंने मुझे कार्यक्रम में बुलाया, मैंने सवाल किया, ये बोलने तक नहीं देते। तो ये रणनीति, जो प्लानिंग, ये सब सारे इश्यू जो बनाते हैं केवल केवल अपने बेनिफिट के लिए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री कोई ऐसी वो चीज नहीं है। 20 साल पुराने आप मुद्दे को उठा लाएंगे, जनता के हाथ में मतदान का सब अधिकार है, सब सारी चीजें, उसे कैसे प्रभावित करें, केवल उसी पे मुद्दा चल रहा है। जनहित की कोई बात नहीं हो रही है देश में, और ये सिर्फ हम और आप लोग सभी समझें और जनता को जागरूक करें। कौन से जी जनहित की बात आप करना चाहते हैं सर? अगर मान लीजिए आपके मन में ये मलाल है कि नहीं, जनहित की बात नहीं हो रही है, मिश्रा इकोनॉमी जी, आज मैं ये बात रोजगार कर रहा हूँ, पे, आज देश में बेरोजगारी, आज आप कितने किसानों को जाके बात करती है आरएसएस देश में? मैं केवल दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली नहीं में आरएसएस तो गैर एक मिनट राजनैतिक या है, तो आप मेरी, सेवा की, मिश्रा जी सेवा मेरी, मिश्रा करने की जी मेरी संस्था बात है, सुन, वो जाके राजनैतिक मुद्दों पे क्यों बात करेगी? आरएसएस मेरी बात इकोनॉमी सुनिए पे क्यों ना। बात करेगी? अरे नहीं, आरएसएस आरएसएस राजनीतिक सुनिए मुद्दों पे और इकोनॉमी सुनिए, पे, जब और मोदी जी, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, ये आरएसएस का मुद्दा नहीं है सर।
आरएसएस तो आरएसएस उनका देखो अपना एक आप, अलग ही डर रहा है काम करने का। या तो मिश्रा जी आप मेरी बात सुन लो 2 मिनट, बताइए। सुनिए या सुनिए आप मिश्रा बोल जी दीजिए, सुनिए, आप नवीन नवीन गौतम की बात सुन लीजिए सुनिए। मेरी। दूसरी बात जो जीडीपी की है, G20 में भी, G20 में भी ये बात साफ कर दी गई। अभी एक हफ्ते पहले जो बात डिस्कशन हुआ था उसमें क्लियर कर बोला गया है कि जीडीपी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर डेवलपिंग। वो लिविंग जो है स्टैंडर्ड, जो हमारा ईज ऑफ लिविंग है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, क्वालिटी ऑफ लिविंग आती है, वो तो हमारी कंडीशन खराब होती जा रही है। पिछले 8 सालों में डिटोरिएट ही हुई है और बहुत डाउन ही हुई है हमारी। और दूसरी बात ये है कि जीडीपी 5 ट्रिलियन की बोल रहे थे, उसका कोई कोई पता भी नहीं है। वो उस हिसाब हाँ जिस किसी भी भाई को, बंधु को, विपक्ष के नेता को, पत्रकार को, इंटेलेक्चुअल को, इकोनॉमिस्ट को, बीजेपी से जवाब न मिले, आरएसएस से न मिले, कांग्रेस से न मिले, सपा से न मिले, मुझसे पूछ लिया करें। दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे आए हैं। एक तो रही सबसे पहली बात जीडीपी की, तो मैं आपको बता दूं मेरे पास सारे फिगर पड़े हुए हैं। और रही बात जो ये हो रही है कि अभी देखिए कैमोफ्लॉग कितनी तेजी से रंग बदलना, अकील साहब ने बोला नहीं जी जीडीपी से नहीं होता है कुछ, वो तो अब हैप्पीनेस इंडेक्स, लाइफ में ये वो ये स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड से होता है। साहब पिछले 70 सालों से जीडीपी पढ़ पढ़ के फार्मूला नहीं याद होता था। जीडीपी, एनएनपी, ये सब इसमें फर्क क्या है? अभी तक पैरामीटर जीडीपी था, अब जब हम जीडीपी को क्रॉस कर गए हैं चाइना, पाकिस्तान, मिस्र, और हैप्पीनेस इंडेक्स की बात जो अकील साहब कर रहे हैं, 3 साल, सुनिए, 3 साल पहले तक भूटान या बर्मा में हैप्पीनेस इंडेक्स चलता था, मीडिया में छाया था, इसी को हैप्पीनेस इंडेक्स में आज कटोरा लेके घूम रहे हैं। सुनिए इस बात सुनिए, को आप बदलिए मत। मैं भी एक बात पूछना चाहता, सुनिए, एक बात पूछना चाहता, एक सवाल करना चाहता गौतम हूँ। जी ने, जो अरे एक सवाल उठाया, मेरी बात अखिल रखिए साहब जरा, आप क्योंकि बंद हमने पूछा पुलिस आपकी है, नशाखोरी क्यों बढ़ रही है? साहब पता नहीं संघ वाले क्यों नहीं बता अखिल रहे, साहब आप अनम्यूट उनकी कर लिए, बात आज दिखाता आवाज हूँ नहीं मैं आई साहब, है। सच्चरित्र वाले जी बच्चों में पैदा हुई है। जी मैं मिश्रा आज जी, नरेंद्र मिश्रा जी एक मोदी बात जी को बताइए बता जी, रहा हूँ, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर बना रहे हैं, हम में से कोई अनम्यूट ऐसी कर जगह लीजिए सफी अखिल और सफल नहीं है? अखिल साहब, साहब आप मिश्रा अनम्यूट कर जी लीजिए। मेरा मतलब एक क्वेश्चन है आपसे, मिश्रा जी से एक क्वेश्चन है मेरा। मिश्रा जी ये बताइए कि पूरी दुनिया में, मैं खुद एक मैनेजमेंट का इंजीनियर हूं और मैंने बहुत 8 साल पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काफी साल काम किया हूं, अंग्रेजों के साथ, अमेरिकन के साथ, सब तरह के लोगों के साथ। मैंने एक पिक्चर मैंने वहां पर ड्रा की है कि मतलब हमारे देश की स्थिति और बाहर के लोगों की स्थिति क्या है। हमारे देश के लोग इतने टैलेंटेड है नो डाउट, और इतने इंटेलिजेंट है, वो सब बाहर जाकर के उन्होंने विदेशों की इकोनॉमी इतनी डेवलप कर दी है और वो आना नहीं चाहते इंडिया में वापस। क्यों? वो उनसे पूछते, मेरी खुद डॉटर, मेरी डॉटर खुद कनाडा में है, उसने पीजी वहीं से किया है, और वो भी नहीं आना चाहती है। मैंने कहा बेटा आकर के देश की सेवा कर सकते हो तुम, कहले पापा यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं और मेरा टैलेंट जितना भी है वो खत्म हो जाएगा। जर्मनी वाले उसको हाँ बुला करके लेक्चर लेते हैं। तो मेरा मैं ये आपको कहने का बता, मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो कंड्यूसिव एनवायरमेंट चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, वो क्रिएट करना किसकी जिम्मेदारी है मिश्रा जी? ये देश की जो देखिए सरकार है हाँ उसकी ये तो जिम्मेदारी है आपने ना। बहुत और आप बहुत जीडीपी अधिक के बारे में बोल रहे हैं, सुनिए तो आप, ये सुनिए, बहुत अब वैलिड ब्रिटेन क्वेश्चन ने है। क्या है मिश्रा जी, ब्रिटेन की जो पर कैपिटा इनकम है हमसे कई गुना बहुत ज्यादा है। दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ योर डेवलपमेंट। वहां पे आप, हाँ उनकी पॉपुलेशन एकदम कितनी, एकदम 6 करोड़ सही, के आसपास है, हाँ हमारी एकदम पॉपुलेशन कितनी एकदम है, सही एकदम 140 करोड़, सही 140 करोड़ की जीडीपी आप उससे कंपेयर कर रहे हैं ब्रिटेन हाँ, की साधारण जीडीपी सी से, जीडीपी के साथ वो कंपेयर मतलब करें एक तो तरह से कंपेयर ये करें तो भुलावा है, बहुत ज्यादा ये है। भ्रमित करना है। तो ये आप अगर बात हम, सुनिए, देखिए मैं एक एक इंजीनियर बोलिए हूँ, बोलिए। मैं रियलिटी पे बिलीव करता हूँ, और मैं हमेशा 2+2 4 ही करता हूँ, 2+2 22 नहीं, ना 2+2 2। तो हमारे कंपैरिजन मैनेजमेंट में हमेशा एपल टू एपल होता है। पहले एक पैरामीटर पे कंपैरिजन कर लीजिए जीडीपी पे, जब तक चाइना की जीडीपी नंबर वन थी तब तक तो आप लोग चिल्लाते रहे नंबर वन है। आज हमारी जीडीपी अगर वेस्टर्न कंट्रीज से बेटर है तो एपल टू एपल कंपैरिजन में जीडीपी के हिसाब से हम उनको क्रॉस कर चुके हैं। पहली चीज, लिविंग पर स्टैंडर्ड की कैपिटा, अगर आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली, मैंने 20 साल पढ़े एक मैगजीन पढ़ी थी, उसमें मैंने ये पढ़ा था
हम जितनी एनर्जी जो है कंज्यूम करते हैं एक भारतीय, चाहे पेट्रोल गैस वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से, एक अमेरिकन 30 गुना ज्यादा एनर्जी हमसे पर डे कंज्यूम करता है, उनका लिविंग एक पैरामीटर पे हम उनको चुनौती देना शुरू किए हैं। अब रही बात, अगर आप अब पैरामीटर बदल रहे हैं कि जी अभी तक तो 70 साल GDP चल रहा था, अब हम हैप्पीनेस इंडेक्स में आएंगे, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम उनसे बेहतर हैं। आप ये मान के चलिए, ऐसे कितने गरीब हैं यहाँ पे जो कभी शिकायत नहीं करते हैं, शिकायत केवल हमारे आपके जैसे जो नेता हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो करते हैं। आप जब भूटान में कोई बहुत रिच नहीं है, लेकिन वहां बर्मा और भूटान में हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर वो अपना चल रहे हैं। इकोनॉमी और पैसे का कोई मतलब ही नहीं है उनके यहाँ डेवलपमेंट से लेकर के। तो हैप्पीनेस इंडेक्स एक सेटिस्फेक्शन के स्टेट ऑफ माइंड को जो है दर्शाता है, वो एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है, न कि मैटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। रही बात जो आपने पूछी कि बच्चे आ नहीं रहे, वेस्टर्न इकोनॉमी पूरी लूटेड इकोनॉमी है, लूट के ऊपर बनी है, उन्होंने पूरा सिस्टम ऐसा बनाया। आज आप अपने डेबिट कार्ड से अगर कोई भी पेमेंट करते हो सर, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा वेस्टर्न इकोनॉमी को जाता है एज ए सर्विस चार्ज, क्योंकि सारा के पास आते हैं। संजीव कौशिक के पास आते हैं ना यार। और अमेरिका में भी एक चीज बता दूं, अमेरिका में पूरी कदर होती है, तो वहां की इकोनॉमी में अगर 1 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं तो 100 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसी गरीब को जो है अगर अमेरिका को खाना खिलाना पड़ जाए ना फ्री में, यहाँ तो 2 साल फ्री में सरकार में खाना पड़ता है। अमेरिका ऐसे लोगों को कभी भिक्षा नहीं देगा, अरविंद केजरीवाल की वजह से बांटा है। शर्मा मिश्रा जी, अरविंद केजरीवाल ने जब जीत लिया उसके बाद ही इन्होंने स्टार्ट किया, पहले बहुत अपोज किया, पहले बहुत अपोज किया था मोदी सरकार ने, उसको बांट लिया। अखिल भाई संजीव कौशिक को बोल देंगे, सरकार को देंगे अमेरिका का। संजीव कौशिक को बोल, अरे सरकार रुकिए तो सही। मिश्रा जी रुकिए, मैं ये कहता हूँ संजीव कौशिक बड़ी देर से सुन रहे हैं, और बेचारे आप दोनों के बीच में नवीन गौतम शायद निकल के, उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा। संजीव कौशिक जो अपनी बात करेगा इकोनॉमी पे हम आए हैं। एक बात तो देखिए मिश्रा जी, एक बात तो है, मैं कह रहा था आप जवाब दीजिएगा, पहले कौशिक जी भी बात करेंगे कि अर्थशास्त्री कितना छोड़ गए इस सरकार को, इस सरकार के साथ जितना आर्थिक सलाहकार है वो जुड़ते क्यों नहीं है, जिसको लेते हैं वो भाग जाता है। आर्थिक सलाहकार इस सरकार के साथ जुड़ता ही नहीं है, कितने रघुराम को देख लीजिए, अरविंद सुब्रमण्यम को देख लीजिए, किसको देखेंगे। तो संजीव कौशिक साहब आप बताइए, जब यहाँ 5-5 मुख्यमंत्री बन सकते हैं, देखिए रवि साहब, अरे संजीव कौशिक का बोल, अरे